सभी का गुजुम्बेश्वर पब्लिक स्कूल की कक्षा में स्वागत है। आज हमारा हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक है। पहला क्या था? शब्दों के भेद, यानी शब्दों के पांच भेद थे। पहला हम उसके प्रकार कर चुके हैं। दूसरा है रचना या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने भेद है। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तीन भेद है। कौन कौन सा? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है ये तीन। रचना या उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे मूल शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और उनके आगे खंड ना हो सकते हो, सार्थक खंड ना हो सकते हो। जैसे नमक कलम, नमक शब्द अगर हम इसके खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं अलग करें इसी प्रकार से कलम का, यानी कि वे मूल शब्द जो किसी शब्द या शब्दार्थ से न बने हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नमक कलम आदि। तो ये है रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक जैसे योग, योग का अर्थ जुड़ना, योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना या मेल से बना, मेल से बना योग का अर्थ होता है। वे शब्द जो किसी शब्द या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, यानी कि उन शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय लगे होते हैं या शब्द प्लस शब्द लगे होते हैं, वो शब्द यौगिक शब्द होते हैं। वो कौन कौन से हैं यौगिक शब्द? जैसे अनुशासन किससे बना है? अनु प्लस शासन। अनु क्या है? शब्दांश, यानी कि ये एक उपसर्ग है और शासन क्या है? शब्द। यानी कि इनके उदाहरण से आपको पता चलता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। यौगिक शब्द यानी कि वे शब्द जो मेल से बने हो, जो शब्द या शब्दांशों के उपसर्ग या प्रत्यय लगे बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा, इसके एक दो उदाहरण में और भी बताता हूं आपको, जैसे स्नान घर, स्नान प्लस में घर, शब्द प्लस में शब्द, यानी ये दो शब्दों के मेल से बना, यानी दो शब्दों के मेल से बनने वाले क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब है अगला योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ये किसी तीसरे को डिफाइन करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे जो यौगिक शब्द से किसी, यानी यौगिक शब्द जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध, जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे दशानन, दशानन का अर्थ क्या होता है, यानी कि ये विशेष अर्थ को डिफाइन करता है, वर्णन करता है। दस हो आनंद जिसके, दस हो आनंद जिसके, आनंद का मतलब क्या होता है, सिर, दस सिरों वाला। दस सिरों वाला कौन है, रावण। यानी ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है, रावण का। अगला उदाहरण है इसका पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर किसके लिए यूज किया जाता है, पीले हो वस्त्र जिसके, पीले हो वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण के, किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही। तो यह पीताम्बर क्या है, योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से नीलकंठ, नील कंठ, नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नीला हो कंठ किसका, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, नीला हो कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का। किसके लिए प्रयोग हुआ ये नीलकंठ है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, शिव के लिए, किसके लिए, शिव के लिए। इसलिए ये शब्द क्या है, कैसे शब्द, योग रूढ़ होते। पंकज, पंकज, पंकज क्या होता है, कमल का फूल, क्या होता है, कमल का फूल, कमल का फूल। जैसे पंख माने क्या होता है, कीचड़, पंख माने क्या होता है, कीचड़, प्लस जय का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कि कीचड़ से जन्म लेना कमल के फूल के लिए। तो पंकज क्या है, योग रूढ़ शब्द है। इस प्रकार से जो रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द है वो तीन प्रकार के हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा है, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, मूल शब्द होते हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, और अगर हम इनके खंड करते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, शब्द या शब्दांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, और रूढ़ शब्द कौन सा होता है, योग रूढ़ वो शब्द है, वो यौगिक शब्द है जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। इस प्रकार से हमारा ये एक पॉइंट और, यानी कि रचना या उत्पत्ति के आधार पर। अगला हमारा पॉइंट होगा तीसरा, अर्थ के आधार पर है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।